पर वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। हम सभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं और इस वजह से हम ढेर सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे यूज करने के बाद क्या होता है, उसके कलर्स चले जाते हैं। तब लगता है कि उसे पॉलिश करना चाहिए। तो पॉलिश में भी क्या होता है, अगर बाहर दुकान में करने देते तो बहुत ज्यादा उसमें कॉस्टिंग पड़ जाती है, और अगर हम उसे घर पे रखते तो वो ना पहनने के लायक होता है और अंत में उसे हम फेंक देते। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो तरीका शेयर करूंगी कि किस तरह से हम घर पे ही उसे फिर से नया जैसा चमका सकते हैं, यानी फिर से उसमें वही ग्लेज चली आएगी जो पहले थी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल को दबा दे, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपके घर तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोगों के साथ जो मैं दो तरीके शेयर करूंगी, ये दोनों तरीके से वो चमक तो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक तरीका ऐसा है कि जिसको करने के बाद आपके ज्वेलरी रखने से या फिर पहन के बाहर जाने से कुछ ही घंटों में वो फिर से अपने जगह पे पहुंच जाएंगे, यानी फिर से वो काले पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो तरीका बिल्कुल भी ना अपनाएं। तो कौन सा तरीका अपनाएं जो आप पहन के फिर बाहर भी जाते हैं या घर पे भी रखते थे, लेकिन वो एकदम जैसे पहले था वैसा ही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं वो दोनों तरीके कौन कौन से हैं। उसके लिए पहला जो तरीका है वो मैं एक ऐसा कटोरी ली हूँ। अब इस कटोरी में मैं लूंगी थोड़ा सा विनेगर, इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दी, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाली, ये देखिए। पानी डालने के बाद अब इसमें मैं जो ज्वेलरी है जिसको हम बहुत अच्छी तरह से चमकाना चाहते हैं, यानी जिसकी जो ग्लेज है पूरी चली गई है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो ये पूरे काले दिख रहे हैं, तो इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस पानी में डाल दूँ। और इसके साथ मैंने एक सिल्वर का भी, आप देख सकते हैं, डाल दूँ। इस तरह से आप ज्वेलरी को इस पानी में डाल दें। ये है पहला तरीका। कुछ देर के बाद देखिएगा ये पूरा चमकने लगेगा। अब दूसरी तरीके जो है वो है, ये मैं टूथपेस्ट ली कोलगेट का व्हाइट वाला, कोई जेल वाला नहीं। अब इसको मैं पुराने किसी भी ब्रश में इस तरह से ले ली, आप देख सकते हो, देखिए इस तरह से मैंने इसमें ले लिया। अब इसको क्या करना है, उससे को इस तरह से पकड़ना है, पकड़ के इसमें मैं अब ये जो पेस्ट है इसको लगाऊंगी। मैं इसका आगे पीछे सब जगह लगा दे रही हूं, ताकि क्योंकि ये चेन है ना तो ये मूव करेगी, तो आगे पीछे अगर नहीं लगाने से फिर आधे काले दिखेंगे और आधे चमकेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको, ये देखिए, पूरी अच्छी तरह से मैंने पेस्ट लगा दी। इसका एक तरफ चमक रही है और इसी का दूसरा तरफ देखिए पूरा ब्लैक है, यानी एक जगह मैंने इसको साफ की हूं जिसके वजह से ये इस तरह से चमक रहे, और जो दूसरा जगह मैंने नहीं किया है वो इस तरह से काले हैं। तो इसलिए क्या करना है अब इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से वही तरीका, थोड़ा सा और कोलगेट को लेने के बाद अब इसको मैं इसमें, अगर देखिए आप इसका मुंह पूरा काला पड़ रहा है, अब इसको थोड़ा सा पानी लेके इसको अच्छी तरह से साफ करेंगे। बस लगा के दो मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। एक कटोरी में मैंने पानी लिया है, इसको डाल, अब इसको अच्छी तरह से इसमें धोना। पानी में भी धोते समय इसको अच्छी तरह से ब्रश से इस तरह से आप रगड़ते हुए धोए, ताकि थोड़ा सा भी पेस्ट इसमें लगाना रहे। टूथपेस्ट वाला है, अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से रुमाल या कॉटन का कपड़ा ले और इसे बहुत अच्छी तरह से सुखाना है। अभी देखिए ये आपको देखने से पता चल रहा है कि कितना चमक रहे। अब इसको हम देखिए, दिख रहा है आपको रुमाल में काले काले आ रहे, यानी ये साफ हो रहा है।
सभी चीज़ों को पानी में अच्छी तरह से धोना है और उसके बाद सूखे कपड़ों से इसे सुखाना है। और जो मैंने यहाँ पे विनेगर में रखा था, अब इसको मैं ऐसे उठाऊंगी और उठा के नॉर्मल पानी में इस तरह से दे देंगी और इसको हाथ से अच्छी तरह से ऐसे करके साफ करेंगे। ये भी आप देख रहे हो, ये देखिए, अब इसको साफ करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से साफ करना है ताकि इसमें थोड़ा भी विनेगर लगा हुआ ना रहे। आप देख सकते हैं ये भी चमक रहे जो मैं विनेगर में डाली थी, और ये भी दोनों ही चमक रहे जो मैंने आपका कोलगेट से की और साथ में हाथ वाला भी की। तो दोनों में अंतर क्या है? अगर आप इसको एक दिन के लिए रख देते हैं विनेगर वाला, तो इसका कलर फिर से अपने जगह पहुंच जाएगी, और जो आप कोलगेट से किए हैं इसको अगर आप रख देते हैं इसके कलर चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ही मैंने पहले घर पे अलग से इसको एक्सपेरिमेंट की करके देखी कौन सा ज्यादा सक्सेस हो रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इसलिए मैं अपने साथ इसका प्रूफ भी रखी हूँ। ये देखिए, ये दोनों ही इयर रिंग्स है, ये देखिए, ये विनेगर वाली पूरा काली हो गई है और ये कोलगेट वाली पूरा चमक रही है। तो यानी प्रूफ हो गया कि अगर आप कोलगेट से अपने आर्टिफिशियल किसी भी ज्वेलरी को अगर आप साफ करते तो वो लंबे समय तक फिर से चमकने लगेगी, लेकिन अगर आप विनेगर का इस्तेमाल करते हैं यानी शॉर्टकट प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं कि डाल दिए वो चमकने लगेगा उसके बाद भी वो रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा, वो फिर से काले पड़ जाएंगे। उस दिन रखिएगा तो आपको खुद दिख जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर की ताकि आप लोगों की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो बर्बाद ना हो, आप उसको घर पे ही कोलगेट का तरीका अपनाएं और अपने आर्टिफिशियली सभी ज्वेलरी को फिर से चमकाएं, यानी उसको घर पे ही पॉलिश करें फिर उसको यूज करें, तो फिर आपको फेंकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उसको आपको दुकान में जाके पॉलिश के लिए देना भी नहीं पड़ेगा। ये दोनों तरीके जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर की, आप ये दोनों तरीके अपनाएं, दोनों तरीके से आप करके देखें, और उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने जो कोलगेट वाला तरीका बताया है वो कितना हद तक सही है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की, और इससे क्या हुआ कि आप लोगों के ज्वेलरी भी फिर से नए जैसे चमकने लगे, और जब भी ऐसा लगे कि इसकी ग्लेज फिर से जा रही है तो फिर से आप कोलगेट का यूज करें और इसको थोड़ा सा आप साफ करें तो देखिए फिर से वो नया जैसा हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।